सामने जोगी महल गेट, जहाँ से जंगल सफारी जो रिजर्वड एरिया है वहाँ की एंट्री होती है, जिसके लिए हमें पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, बुकिंग करानी पड़ती है। और उसके बिल्कुल सामने रणथंभौर दुर्ग, जिसका प्रवेश, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जब हम यहाँ से सामने से प्रवेश करेंगे तो जो सामने एक, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला स्थान है, यहाँ से हम राइट जाएंगे, उसके बाद जो फर्स्ट लेयर है, उसके बाद की जो लेयर है वहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे फिर से, और आगे जाकर थोड़ा चलने पर फिर राइट मुड़ेंगे, और ऐसे स्टेप वाइज चलते हुए हम ऊपर की का जो द्वार है, जो प्राचीर है, वहाँ तक पहुँचेंगे, और उसके आगे जो दुर्ग है वो है। तो इसका क्या महत्व है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये प्राय दुर्ग निर्माण की शैली होती थी, सीधा रास्ता ना होकर घुमावदार रास्ता क्यों बनाया जाता था, इसका भी एक कारण रहा है, जिसके विषय में बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से प्रवेश होता है और प्रथम द्वार, जिसका नाम था मिस्र धारा पोल, उससे आगे जो दूसरा द्वार आएगा उसकी तरफ चलते हैं। जो दूसरा द्वार है उसका नाम है नवलखा पोल। नवलखा पोल द्वितीय द्वार, और ये इसकी शैली, निर्माण शैली द्वार की, हम कड़ी या जो बोलते हैं गार्डर यूज करते हैं, उसकी संख्या एक है। हमें जो निर्माण मिलेंगे उनमें या तो एक मिलेगा या फिर तीन मिलेगा, दो नहीं मिलेंगे। और यह है तृतीय पोल। यहाँ पर एक मस्तक की आकृति यहाँ पर विद्यमान है, जिसके विषय में कहते हैं कुछ कि ये जो हमीर देव हैं उनकी प्रतिमा है। और कुछ क्या, और जो तृतीय द्वार है हाथी पोल, ऊपर देखिए रास्ता किस तरह घुमावदार बनाया गया है, इसके विषय में बात करेंगे कि ऐसा क्यों बनाया जाता था, इसके पीछे रहस्य क्या होता है। यहाँ से नीचे देखते हैं गणेश पोल, चतुर्थ द्वार, और कितनी भव्य इसकी निर्माण शैली, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए द्वार, सुरक्षा की दृष्टि से इसमें भाले नुमा नुकीले लगाए जाते थे। और एक ये देखिए ये बेल, इस बेल का क्या कार्य रहा होगा, अगर बाहर से इस द्वार को खोलना है
तो उसके लिए या तो इस द्वार को तोड़ना होगा, लेकिन उसके लिए हमें हाथी का प्रयोग करना पड़ेगा और उससे बचाव के लिए ये नुकीली कील लगाई गई है। और दूसरा ऑप्शन है, अगर ये द्वार देखिए जो इसमें ये नीचे टिका हुआ है, ये लोहे का एक पार्ट है उसके ऊपर ये टिका हुआ है, और ऊपर जो चोल बनी है और जो द्वार है उसमें लगभग 5 से 6 इंच का गैप है। अगर हम नीचे से उठाकर और इसको साइड करते हैं तो ये फिर ऊपर से भी निकल आएगा नीचे। तो उससे बचाने के लिए ये जो कड़ी है, श्रृंखला, इसका प्रयोग किया गया है ताकि ये निकाल के दूर ना लेके जाए इसको। चलिए इधर चलते हैं। यह है किले की प्राचीर। गणेश पोल, चतुर्थ द्वार। मैं नीचे आपको बता रहा था कि ऐसे घुमावदार रास्ते बनाने का क्या प्रयोजन होता है। यहाँ से आप देखिए, ये यहाँ से हम कितनी दूर तक नज़र रख सकते हैं, कितनी दूर तक हमारा अधिकार क्षेत्र है वहाँ पर कोई शत्रु की एंट्री होती है, प्रवेश होता है, तो हम काफ़ी समय पहले उस पर नज़र रख लेते हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, सामने झील और बहुत ही सुंदर वन क्षेत्र, बहुत ही सुंदर, और झील जो कि रिजर्व्ड है। पहले द्वार का नाम था मिस्र धारा द्वार, मिस्र धारा पोल, और जो सामने है वह है द्वितीय द्वार, नौलखा पोल, और उसके बाद आता है तृतीय द्वार जो है हाथी पोल, और अभी हम जहाँ से आए हैं वह है चतुर्थ द्वार जिसका नाम है गणेश पोल, और इसके सामने है पंचम द्वार, पांचवा द्वार जिसका नाम है अंधेरी पोल। तो जो यह द्वार है वह एक कर्म में न होकर घुमावदार मार्ग पर क्यों बने हैं उसके विषय में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए शत्रु बिल्कुल द्वार पर आ चुका है, तो उस पर प्रहार कैसे किया जाए? तो हम देख सकते हैं, हम यहाँ से प्रत्येक जो द्वार है उस पर कड़ाई से नज़र रख सकते हैं, और उस जो शत्रु वहाँ पर आ चुका है उसे पीछे हटने पर मजबूर कर सकते हैं, उस पर प्रहार करके। और मान लीजिए कि शत्रु उस द्वार पर आ चुका है, तो हम यहाँ से उस पर प्रहार कर सकते हैं और उस द्वार के ऊपर से भी कर सकते हैं, और जो नीचे ये द्वार है यहाँ से भी कर सकते हैं। और फिर भी अगर वो हम उसे रोक नहीं पाते और वो आगे आकर जो ये तृतीय द्वार है, प्रथम द्वार के मैं बारे में बता चुका हूँ जो वो पीछे है, यात्रा के प्रारंभ में दिखाया था मिस्र धारा पोल, और मान लो वो तृतीय द्वार हाथी पोल तक जिसका नाम है आ जाते हैं, तो उस पर यहाँ से बाणों की अथवा पत्थरों की जो भी हमारे पास शस्त्र है उससे प्रहार करके उसे पीछे हटने के लिए मजबूर या पीछे हटा सकते हैं। और अगर फिर भी वो नहीं हो
हटता है तो हम उस जो द्वार है उसके ऊपर से जाकर उस पर प्रहार कर सकते हैं। और जो इसकी निर्माण शैली है वो देखिए आप, यहाँ पर तो ये बंद है, ये कितनी दूर तक हम नज़र रख सकते हैं। और यह एक अंदर पत्थर लगा हुआ है जो कि शायद पुनर्निर्माण इसका किया गया है किले का। इस किले का अनेकों बार पुनर्निर्माण हुआ है, इसके विषय में आपको आगे भी बताऊंगा। तो यह देखिए, प्रत्येक कोने से हम स्त्रु पर नज़र रख सकते हैं और उस पर प्रहार कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन यह रहा था कि स्त्रु पर प्रत्येक कोने से नज़र रखें और उस पर प्रहार करें। विवेक जी, आप कुछ बताइए इस विषय में। ये चौहानों ने इसका 12वीं शताब्दी में 13वीं में निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, तो ऐसा माना जाता है कि ये 11वीं शताब्दी का ही बना हुआ है। सामने है पांचवा द्वार, अंधेरी पोल जिसका नाम है। और ये देखिए कितनी भव्य निर्माण शैली है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यह हमें सामान्यतः जमा या प्लस का निशान दिखाई देता है, लेकिन ऐसा जो निर्माण है वो अनेकों जगह हमें देखने को मिला है, अनेकों भवनों में। और ऊपर देखिए कितना सुंदर निर्माण है। वो प्लस बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग किया गया, ईंटें हैं वहाँ पर। बिल्कुल, तो पांचवा द्वार, अंधेरी पोल, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए, जैसा कि मैं नीचे बात कर रहा था, यहाँ पर अगर चाहते तो जो ये दो स्लेब डाली गई हैं छत के लिए, दो से काम चल सकता था, लेकिन उसके बावजूद एक तीसरी स्लेब डाली गई है जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। उसका कारण यह है कि जो भारतीय निर्माण शैली है उसमें दो का प्रयोग नहीं किया जाता। और इधर ये एक द्वार के अवशेष यहाँ पर। और यहाँ पर एक सुरंगनुमा भवन, इसका भी प्रयोजन होता है कि जब भी हम किसी अंधेरे कमरे से प्रकाश में अचानक आते हैं तो कुछ समय के लिए हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, और उसी का लाभ उठाकर हम स्त्रु पर आक्रमण कर सकते हैं अगर स्त्रु यहाँ तक पहुँच चुका है। और ये देखिए जो पांचवा द्वार है अंधेरी पोल, उसके ऊपर भी जाकर हम वहाँ तक पहुँचे स्त्रु पर प्रहार कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, प्रवेश बंद है। समतल पर आवे, हम आ चुके हैं दुर्ग की प्राचीर के अंदर। और इस तरफ है एक मंदिर है और हमीर देव महल। तो यहाँ पर मानचित्र लगा हुआ है दुर्ग का।
तो अभी हम हैं यहाँ पर